कोलारस थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कोलारस एसडीओपी विजय यादव, नगर निरीक्षक सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। आपको बता दें कि नवदुर्गा महोत्सव शुरू हो रहे हैं और दशहरा त्योहार को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि बैठक में समिति के सदस्यों ने मान रही है कि नगर में जगतपुर पुल पर रोड पर लगने वाली मीट मार्केट की दुकानों को हटाया जाए और शाम के समय सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई चालू रहे। शाम को जहां मूर्ति की स्थापना होगी वहां पर पुलिस की व्यवस्था बढ़ाई जाने की मांग की गई है। इस बार नगर में स्थापित दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन पिसनहारी टोरिया तालाब और भड़ोता सिंध नदी के रपटे पर क्रेन के माध्यम से प्रशासन की मौजूदगी में किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में समितियों के सदस्यों को सख्त लहजे में प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पांडालों पर नशे का सेवन करते मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुख्य मुद्दा था कि जो आगामी समय में नवदुर्गा, दशहरा और मिलादुन्नबी जो त्योहार आने वाले हैं उनमें शांति और सौहार्द बना रखा जाए, विशेष क्या क्या सावधानियां करी जाना है, नवदुर्गा विसर्जन में क्या सावधानी करी जाना है, इसमें सभी जो उन्होंने झांकी लगाई उनसे हमने अपील की है कि जो लाइट लगा रहे हैं उसका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें, कहीं कोई करंट का फैलाव ना हो और 24 घंटे कोई व्यक्ति वहाँ झांकी पर उपस्थित रहे, झांकी के चारों ओर बैरिकेडिंग करें जिससे कि कोई गाय वगैरह एकदम न चढ़ पाए और शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को महिलाओं को सुविधा प्रदान करें वहाँ दर्शन के लिए।